आज मेरे नाते की बर्थडे के लिए मैंने मेरी बेटी को बोल दिया कि बर्थडे पार्टी के लिए स्टार्टर तो मैं ही बना के लाऊंगी। फ्रिज में देखा तो मेरे पास एक फूलगोभी पड़ी थी, कुछ ब्रेड के स्लाइसेस पड़े थे और बेसिक सब्जियां पड़ी थी। तो आइए इसी से आज हम बच्चों को पसंद आने वाला एक नया नाश्ता बनाकर तैयार करते हैं। तो नमस्कार, पापा मम्मी किचन में आप सभी का स्वागत है। इसके लिए यहाँ पर फूलगोभी को हम इस तरह से पीसेस में कट कर लेंगे। देखिए अलग अलग ये पीस आराम से हो जाएंगे। ऐसे कट करने के साथ ही हमारे को चेक भी कर लेना है कि इसके अंदर कीड़े वगैरह तो नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े कीड़े होते हैं तो वो तो आराम से दिख जाते हैं, पर काफी बार ऐसे होता है छोटे कीड़े होते हैं वो नहीं दिखते हैं। उसके लिए क्या करना है वो आपको बताती हूँ। तो अभी यहाँ पर मैंने एक बाउल लिया है और इस बाउल में गर्मा गर्म पानी डाल देंगे। इस पानी को मैंने उबाल के लिया है। इसी के साथ इसमें एक छोटा चम्मच इतना नमक डाल देते हैं और नमक को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इसी के साथ जिस गोभी को मैंने काटा था उसको नल के नीचे ले जा करके वॉश कर लिया था। अभी इस गोभी को हम गर्म पानी में डाल देते हैं। ऐसा करने से इसके अंदर जो महीन कीड़े वगैरह होते हैं वो आराम से निकल जाते हैं, जो कि हमारे को आंखों से भी नहीं दिखते हैं। इसको डाल करके ज़्यादा देर रखने की जरूरत नहीं है, 2 मिनट तक रखेंगे। 2 मिनट में गोभी हमारी क्लीन हो जाएगी। 2 मिनट में गोभी को हम निकाल लेते हैं। पानी गर्म है इसलिए आप इसमें हाथ नहीं डालें, इस तरह से जरे से निकाल लें और दूसरी प्लेट में रख देंगे। ये करने में सिर्फ 2 मिनट लगे हैं पर गोभी हमारी काफ़ी साफ हो जाती है, इसमें कोई तरह की इम्प्योरिटीज नहीं रहती है। तो आप देख पा रहे हैं पीसेस कितने सफ़ेद दिख रहे हैं। अभी इस गोभी को हम एक परात के अंदर ट्रांसफ़र कर लेते हैं और इसके अंदर जो पानी रह गया था वो निकल गए हैं। अभी इस गोभी को हमें बारीक करना है। इसके लिए आप चाहे तो चॉपर में चॉप कर सकते हैं या मिक्सी के जार में डाल करके इसे दरदरा पीस पी सकते हैं, और नई तरह से आप कद्दूकस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने कद्दूकस लिया है, इस तरह से हम कद्दूकस कर लेंगे। कद्दूकस भी इजीली हो जाता है, जहाँ तक मैंने देखा है कद्दूकस का रिजल्ट ज़्यादा अच्छा आता है, इसीलिए मैं इसे कद्दूकस कर लेती हूँ। पीछे जो व्हाइट पार्ट बच जाता है उसको हमें नहीं करना, इसको हम साइड में रख देंगे। इसको आप कोई भी सब्जियों में यूज कर सकते हैं या दाल वगैरह बनाते हैं दाल में भी यूज कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। इस तरह से मैंने पूरी पत्ता गोभी को कद्दूकस कर लिया है। आप देख पा रहे इसके दाने बहुत ही अच्छा है। मिक्सी के जार में या चॉपर में करते हैं उससे अच्छे दाने आते हैं इसमें। इसी के साथ यहाँ पर मैंने 5 ब्रेड ली है। ये 1 दिन पुरानी ब्रेड है जो मैंने फ्रिज में रखी थी, थोड़ी ये दरदरी हो गई है। तब इस ब्रेड को हम रफली तोड़ करके मिक्सी के जार में डाल देंगे और इसके इस तरह से क्रम्स बना लेंगे। तो आप देख पा रहे हैं इसके क्रम्स बहुत ही अच्छे बने। मैंने इसका ब्राउन वाला पार्ट नहीं निकाला है, आप चाहे तो निकाल भी सकते हैं, पर निकालने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब इस क्रम्स को हम इस गोभी के अंदर डाल देते हैं। यहाँ मैं ब्रेड क्रम्स डाल रही हूँ क्योंकि ब्रेड ज़्यादा बच्चों को पसंद आती है। यदि आपके पास ब्रेड नहीं हो तो इसकी जगह पर आप गेहूँ का आटा भी डाल सकते हैं या मैदा भी डाल सकते हैं, पर हेल्दी बना रहे हैं इसलिए गेहूँ का आटा डालने से चलेगा। अभी यहाँ पर मैंने 1/2 कप जितना चावल का आटा लिया है। यदि आपके पास चावल का आटा नहीं है तो इसकी जगह पर आप सूजी भी डाल सकते हैं, पर सूजी को आप थोड़ा सा मिक्सी के जार में डाल के पीस लें, इससे वही सूजी हो जाएगी। इसी के साथ अच्छे स्वाद के लिए यहाँ पर मैंने 1/4 कप जितना बेसन लिया है। थोड़ा सा बेसन डालेंगे फिर भी इसका स्वाद बहुत अच्छा आएगा। अभी इसमें कुछ बेसिक सब्जियाँ डाल देते हैं। तो यहाँ पर मैंने बहुत छोटी शिमला मिर्ची ली है जिसको मैंने इस तरह से काट लिया है। शिमला मिर्ची बड़ी हो तो आप आधी शिमला मिर्ची लें। तो ये देखेगा तो लगभग 2 से 3 टेबल स्पून जितनी है। सब्जियाँ बहुत थोड़ी थोड़ी डालनी है। एक छोटी साइज का प्याज लिया जिसको मैंने महीन महीन काट लिया है, ये भी इसमें डाल देते हैं। 2 हरी मिर्ची लिया जिसको मैंने पतला पतला काटा है, ये भी इसमें डाल देते हैं। यदि बच्चे हरी मिर्ची वगैरह नहीं खाते हैं तो हरी मिर्ची स्किप कर सकते हैं या हरी मिर्ची का पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं। 8-10 मैंने कड़ी पत्ते लिए हैं जिसको मैंने पतला पतला काट लिया है, ये भी इसमें डाल देते हैं। और एक छोटी साइज की गाजर लिया जिसको मैंने पतले लच्छों में कद्दूकस कर लिया है। इसके लच्छे बहुत पतले निकाले हैं, ये लगभग देगा तो 2 टेबल स्पून जितनी है। और 1/2 इंच जितना मैंने अदरक का टुकड़ा लिया जिसको भी मैंने कद्दूकस कर लिया है। आप चाहे तो अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं। और 1/2 छोटा चम्मच जितना मैंने चिली फ्लेक्स लिया है, ये भी इसमें डाल देते हैं। और हल्की सी खटाई के लिए यहाँ पर मैंने अमचूर पाउडर लिया, ये लगभग 1/2 टीस्पून जितना है, तो ये भी इसमें डाल देते हैं। इससे हल्का सा खट्टापन आएगा। यदि आपके पास अमचूर पाउडर नहीं है तो इसकी जगह पर आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं या नींबू का रस भी डाल सकते हैं। अभी इसमें कुछ मसाले डाल देते हैं। यहाँ हमने 1 टीस्पून जितना नमक लिया है, ये नमक इसमें डाल देते हैं। तो नमक आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा डाल सकते हैं। और 1/2 टीस्पून जितना हल्दी पाउडर डाल देते हैं और 1/4 टीस्पून जितना गर्म मसाला डाल देते हैं और 1/4 टीस्पून जितना ही मैंने अजवाइन लिया है। अजवाइन को इस तरह से मसल करके डालेंगे जिससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। इसमें हमने बेसन डाला है इसीलिए थोड़ा सा अजवाइन डालना ज़रूरी है। और गोभी भी थोड़ी सी गैस करती है तो इसमें थोड़ा सा अजवाइन डाल देंगे तो पाचन में हल्की रहेगी और गैस नहीं करेगी। और 1/2 छोटा चम्मच जितना जीरा डाल देते हैं।
ये सभी चीजें बेसिक है जो हमारे घर में आराम से मिल जाती है। अभी कोई चीज आपके घर में नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, इसके लिए कोई हार्ड और फास्ट रूल नहीं है। अब सबको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, जहाँ तक हो सके इसमें हम पानी कम से कम डालेंगे, क्योंकि सब्जियों के अंदर काफी पानी होता है, तो उसी पानी से हम आटा गूंद करके तैयार करेंगे। हमने इसमें नमक डाला है, नमक के कारण से सब्जियों में से पानी निकलता है, इसलिए आप पहले पानी डाल देंगे तो हमारा रेशियो बिगड़ जाएगा। बच्चे ज्यादातर क्या सब्जियां नहीं खाते हैं, इस तरह से बना करके बच्चों को खिलाते हैं तो बच्चे आराम से खा लेते हैं। इस तरह से बना करके आप सुबह की चाय के साथ भी ले सकते हैं, या दोपहर की चाय के साथ भी लेंगे तो बहुत स्वादिष्ट लगते हैं और काफी हेल्दी भी होते हैं। अभी इसको मैंने हल्का सा मिक्स कर लिया है और थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ये सब्जियों में से और भी पानी निकल जाएगा। तब तक यहाँ पर मैंने एक मिक्सी का जार लिया है और उसमें लगभग एक कप जितना हरा धनिया डाल देते हैं। इसके मैंने डंठल नहीं निकाले क्योंकि डंठल इसके कच्चे हैं, यदि पक्के डंठल होता आप निकाल लें, कच्चे डंठल डालेंगे तो इसका स्वाद और भी ज्यादा अच्छा आएगा और डंठल हमारे वेस्ट भी नहीं होते हैं। अभी यहाँ पर मैंने 1 इंच अदरक का टुकड़ा दिया जिसको रफली काट लिया है, ये इसमें डाल देते हैं। और 7-8 कलियां मैंने लहसुन की ली है, ये छोटी वाली कलियां है इसलिए 7-8 ली है। यदि आप लहसुन नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं, यदि खाते हैं तो आप जरूर डालें, इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। और 1/2 छोटा चम्मच जितना मैंने जीरा लिया है, ये कच्चा जीरा ही है। और 3 मैंने हरी मिर्ची ली है, ये रफली काट के इसमें डाल देते हैं। और 1/2 छोटा चम्मच जितना काला नमक डाल देते हैं और 2 पिंच जितना सादा नमक डाल देते हैं। और 1 टेबल स्पून जितनी मैंने शक्कर ली है, क्योंकि बच्चों को खट्टी मीठी चीज़ खाना पसंद है, इसीलिए मैं इसमें शक्कर डाल रही हूँ, शक्कर से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और इसी के साथ मैंने 1/4 कप जितना दही लिया है, दही इसमें डाल देते हैं और ढक्कन लगा करके इसे पीस लेते हैं। तो आप देख पा रहे हैं हमने इसमें कोई पानी वगैरह नहीं डाला है, ये भी चटनी हमारी एकदम परफेक्ट बन गई है। आज के नाश्ते के साथ में इसका स्वाद बहुत ही अच्छा लगेगा। अभी साइड में इसे रखे वो भी लगभग 5 से 7 मिनट हो गए हैं, तो देखिए काफ़ी गीला हो गया, ये सब्जियों में से पानी निकल जाता है, काफ़ी गीला हो जाता है। अभी इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो 5 से 7 मिनट के लिए आप इसे ज़रूर रखें, जिससे रेसिपी आपका कभी भी ख़राब नहीं होगा और चीज़ अच्छी बनेगी। इसके अंदर मैंने ढेर सारी सब्जियां डाली है, इसलिए इसमें आपको मीठा सोडा, तेल या बेकिंग पाउडर किसी को डालने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देख पा रहे हैं इसमें अभी बहुत ही अच्छी बाइंडिंग आ गई है। हाथ में इस तरह से लेकर देखेंगे तो देखें आराम से जुड़ रहा है, इस तरह से बाइंडिंग होनी चाहिए। इसमें आपको अभी रेस्ट में रखने की ज़रूरत नहीं है। अब छोटा सा पीस नींबू का आकार का हाथ में ले लें और इस तरह से गोल कर लें, इस तरह से गोल करके इसे हम फैला लेंगे, ये स्मूथ आराम से फैल जाएगा। आप चाहे तो इस तरह से हाथ में फैला सकते हैं या बटर पेपर लेकर के उसके ऊपर भी फैला सकते हैं। एक हथेली का जितना हमें गोल बना लेना है, छोटी सी पूड़ी होती है उतना हमें गोल बनाना। अभी साइड में मैंने तेल गरम कर लिया है, तेल गरम होने के बाद में एक एक करके इस पर हम डाल देंगे, तो थोड़ा सा तेल डाल करके आप इसे सेलो फ्राई कर लें। इसी के साथ मैं आपको बता देती हूँ, यदि बनाते समय आपके आटा थोड़ा गीला हो जाता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि सब्जियों में से ज़्यादा पानी छूटने लग जाता है, तो उस समय आप उसके अंदर गेहूँ का आटा डाल सकते हैं, सूजी डाल सकते हैं या ब्रेड क्रम्स भी डाल सकते हैं। आटा परफेक्ट बनेगा तो आपकी चीज़ भी परफेक्ट बनकर तैयार होगी। भी डालने के बाद में आँच को हमें मध्यम कर लेना है, ज़्यादा तेज आँच में नहीं करें, ये अंदर तक अच्छे पकने चाहिए। और डालते ही हमें इसे पलटना नहीं है, हल्के से क्रिस्पी हो जाता है तो उसके बाद में आराम से पलट सकते हैं। आप चाहते इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा तेल भी डाल सकते हैं, इसे ऊपर से भी अच्छे से पकते रहेंगे। एक साइड में पकते हुए लगभग 2 मिनट हो गए हैं, 2 मिनट के बाद में इसे हम पलट देते हैं। 2 मिनट में थोड़े से क्रिस्पी हो जाते हैं, आप देख पा रहे हैं हल्का सा इसका कलर चेंज हुआ। आप कच्चे में पलटेंगे तो ये टूट सकते हैं, अभी आप आराम से पलट सकते हैं। इस तरह से न तो ये पकौड़े हैं न ये पेटीज है। यदि आपके बच्चों को बर्गर फ्रेंच फ्राइज खाना पसंद है तो ये उनको बहुत ही अच्छे लगेंगे। अभी आप देख पा रहे हैं इसका गोल्डन कलर आ गया है। गोल्डन कलर आने के बाद में इसको हम निकाल लेते हैं। यहाँ मैं आपको बता देती हूँ, इसको मैंने बहुत ज़्यादा मोटा नहीं बनाया है, यदि आप मोटा बनाएंगे तो फिर अंदर से कच्चे रह जाते हैं। पार्टी के लिए जब भी मैं कोई चीज़ बनाती हूँ उसमें इस चीज़ का ध्यान रखती हूँ कि कुछ ऐसा नाश्ता बनाऊँ जो गरम-गरम तो खाने में अच्छा लगे ही, ठंडा होने के बाद भी अच्छा क्रिस्पी बना रहे। तो ये बिल्कुल ऐसा ही नाश्ता है, क्योंकि इसके अंदर जो मैंने चावल का आटा डाला है उस कारण से ये अच्छे क्रिस्पी बने हुए हैं और ठंडा होने के बाद भी ये क्रिस्पी ही लगते हैं। यदि आपके पास चावल का आटा नहीं हो तो इसकी जगह पर आप सूजी डालें, सूजी से भी आपके क्रिस्पी बने रहेंगे। इस तरह से आप देख पा रहे हैं मैंने सभी बनाकर तैयार कर लिए हैं, इसमें ढेर सारी सब्जियां भी हो गई और स्वाद का स्वाद हो गया। बच्चे इस नाश्ते को खाने के लिए मना करेंगे ही नहीं। तो आप देख पा रहे हैं ये कितने क्रिस्पी लग रहे हैं। ये मैं आपको फ्राई करने के 15 मिनट बाद में दिखा रही हूँ, एक मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। देखिए इजीली टूट रहे हैं और इसमें सब्जियां बहुत ही अच्छी लग रही है। तो आप भी इस चटनी के साथ इस फूलगोभी के नाश्ते को अपने घर में जरूर ट्राई करें। फिर मिलेंगे ऐसे ही दूसरे वीडियो में।
तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।